अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चार टीमें हमारे सामने आ चुकी हैं जो सेमीफाइनल में गई हैं, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। ये चार टीमें आमने सामने होंगी सेमीफाइनल में। पहला सेमीफाइनल 9 नवंबर पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड सिडनी के मैदान में आमने सामने होंगे। दूसरा सेमीफाइनल होगा इंडिया वर्सेज इंग्लैंड और ये मैच एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा। बहुत यार इंटरेस्टिंग फेज अब आ चुका है। आपको पता है जब सेमीफाइनल आते हैं तो एक्साइटमेंट एक डिफरेंट लेवल पर होती है और पाकिस्तान क्योंकि आपको पता है सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और हमारी एक्साइटमेंट 100 गुना बढ़ चुकी है क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाएगा। क्योंकि जैसे पाकिस्तान ने अपने पहले दो मैचेस हारे थे उसके बाद तो हमने उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट तो हम नहीं कह सकते खेली, एक एवरेज क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, लेकिन पाकिस्तान दूसरी टीमों पर डिपेंडेंट रहा। खास तौर पर पाकिस्तान बहुत शुक्रिया अदा कर रहा होगा नेदरलैंड का और हम सब यार शुक्रिया अदा करते हैं नेदरलैंड का कि उन्होंने यार एक बहुत बड़ा अपसेट किया कल और साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया है। अगर तो वो साउथ अफ्रीका को ना हराते, अगर साउथ अफ्रीका उस मैच को जीतता तो साउथ अफ्रीका थ्रू कर जाता और पाकिस्तान का बांग्लादेश से जीतना कोई भी मायने ना रखता और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं बल्कि कराची की फ्लाइट लेकर वापस आ रहा होता। लेकिन अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गया है क्योंकि नेदरलैंड ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को और नेदरलैंड यार बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है, एक यार एसोसिएट टीम है और बिल्कुल उनको कोई रेट नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया है। साउथ अफ्रीका जैसे एक बड़ी टीम को उन्होंने हराया और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि साउथ अफ्रीका एक बार फिर चौक करेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपनी रवायत कायम रखी। साउथ अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका के जैसे ही खेला जैसा वो हमेशा बड़े स्टेजेस पर आकर चौक करते हैं, कल भी हमें वैसा ही देखने को मिला। आखिरी दो मैचेस में उन्होंने सिर्फ एक मैच जीतना था, पाकिस्तान से वो हारे, फिर नेदरलैंड से हारे, अपने दोनों मैचेस हार कर वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और वो अपने आप को ही ब्लेम करेंगे और किसी को वो ब्लेम कर नहीं सकते। तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में चला गया और अब पाकिस्तान ने खेलना है न्यूजीलैंड के साथ। 9 नवंबर को सिडनी का वो मैदान होगा जहां पर ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। अगर मैं आपको एक और चीज बताता चलूं यार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें क्योंकि अब सेमीफाइनल होने जा रहे हैं। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आईसीसी ने रूल चेंज किए हैं। रूल क्या चेंज हुए हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। रूल ऐसे चेंज हुए हैं कि आपको पता है कि ये वर्ल्ड कप फुल ऑफ यार रेन इफेक्टिव रहा है, रेन की वजह से बहुत मैचेस इफेक्ट हुए। एक बहुत बड़ा मैच भी कम्प्लीटली धुल गया जो पाकिस्तान इंडिया के बाद सबसे बड़ा मैच कंसिडर किया जा रहा था, इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, पूरा मैच वो बारिश की वजह से इफेक्ट हो गया और एक बॉल भी डिलीवर ना हो सकी। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब आईसीसी ने रूल्स को चेंज किया है। सेमीफाइनल और फाइनल में अगर बारिश आती है तो कम से कम 10 ओवर होना लाजमी होंगे, 10 ओवर का खेल होना लाजमी होगा। अगर इससे कम होता है तो फिर वो जो खेल है वो नहीं होगा, वो खेल फिर अगले दिन होगा। जी हाँ, एक रिजर्व डे भी रखा गया है इन तमाम मैचेस के लिए, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। जो 9 नवंबर को पाकिस्तान का मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड उसका रिजर्व डे है 10 नवंबर और 10 नवंबर को इंग्लैंड वर्सेस इंडिया वाला जो मैच है उसका रिजर्व डे है 11 नवंबर और 13 नवंबर का फाइनल का रिजर्व डे उससे अगला दिन। तो इस तरह ये रिजर्व डे रखे गए हैं, अगर उस दिन मैच कंप्लीट नहीं होता बारिश की वजह से तो अगले दिन मैच होगा और 10 ओवर होना लाजमी होंगे इस मैच में। बाकी मैचेस में आपको पता है 5 ओवर की गेम होना लाजमी थी, बाद में आपको रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता था, लेकिन अब सेमीफाइनल में ऐसा नहीं होगा, कम से कम 10 ओवर होना लाजमी होंगे। तो ये यार रूल चेंज किए हैं, मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आपको भी पता हो यार के क्या रूल्स हैं सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे, यार एक बहुत अच्छा मैच होगा ये, इंडिया और इंग्लैंड का मैच भी बहुत कांटेदार होने वाला है। चारों टीमें बहुत तगड़ी टीमें हैं और कोई नहीं ये कह सकता कि कौन सी टीम इस वर्ल्ड कप को लिफ्ट करेगी, इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। पाकिस्तान टीम अच्छी शेप में अब नज़र आ रही है, शुरू में पाकिस्तान के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन जैसे हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के मिल ऑर्डर ने यार परफॉर्म करना शुरू किया है और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। वर्ल्ड कप में आने से पहले हम सबको ये कंसर्न थे यार पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर को लेकर, लेकिन पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर ने यार अच्छा परफॉर्म किया। खास तौर पर अगर हम बात करें इफ्तिखार अहमद की, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है इस वर्ल्ड कप में। जो बेस्ट खिलाड़ी लगे हैं वो इफ्तिखार ही लगे हैं पूरी टीम में बैटिंग को लेकर। और उसके अलावा हारिस की जो इंक्लूजन है वो बहुत शानदार रही है, पिछले दोनों मैचेस में उन्होंने फेयरलेस क्रिकेट खेली है। यार वो बंदे को मैं वैसे सलाम करता हूँ, उसको ये चांस मिला था
और हम सब उस पर तनकीद कर रहे थे। मैंने खुद बहुत उस पर तनकीद की थी, क्रिटिसिज्म किया था जब उसको इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच खिलाया गया और मुझे वो बिल्कुल आउट ऑफ कलर लगे थे। वहाँ पर हमें इधर उधर शॉटें लगा रहे थे तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन यार इन मैचेस में उसने अपनी जगह की फिक्र नहीं की, ये बात मुझे उसकी सबसे ज़्यादा पसंद आई है। यार उसको पता था कि ये मेरे पास यही चांस है, अगर मैं परफॉर्म ना कर सका तो मैं टीम से बाहर हो जाऊँगा। लेकिन उसने यार ये नहीं किया कि अपनी जगह बनाने के लिए मैं थोड़ी ज्यादा बोलने खेल लूं, मैं क्रीज पर ज्यादा टाइम स्पेंड करूं ताकि मैं ज्यादा रन बना सकूं। उसने अपनी फेयरलेस क्रिकेट खेली, उसने एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेली, उसने अपनी विकेट की परवाह नहीं की, उसकी जो गेम है उसने वही खेली जो कि मुझे ये बात बहुत पसंद आई उसकी यार। और उसी की वजह से उसको अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी, उसने दोनों मैचेस में पाकिस्तान की कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो यार यही अप्रोच हमें चाहिए बाकी बैट्समैनों से भी, खासतौर पर हमारे जो ओपनर्स हैं बहुत ही आला परफॉर्मर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन यार एशिया में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बल्कि सारी जगह उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन ये जो पिचेस है ना वो मेरे ख्याल से उनको अब सूट नहीं कर रही, जो उनकी गेम है उस लिहाज से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे यार। थोड़े से ना वो अपने शैल में गए हुए हैं, उससे उनको निकलना होगा, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ खेलना होगा। जैसे उन्होंने अपना बाकी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं ना मिडिल ऑर्डर आके जैसे फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है, वैसे इनको भी खेलना होगा। विकेट की परवाह ना करें यार, कोई बात नहीं, आप अपनी जो गेम करें, क्योंकि हमारे सामने अब न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो बिल्कुल घबराती नहीं है और फेयरलेस क्रिकेट वो खेलते हैं, और पाकिस्तान को उनका मुकाबला करने के लिए वैसी ही क्रिकेट खेलना होगी। तो हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान वैसे ही क्रिकेट खेले, चढ़ कर आए यार उनके ऊपर, अपना जाएं फुल, अपना 100% दें, हार जीत को अब ना देखें। लड़कर हारेंगे तो हम बुरा नहीं मनाएंगे, लड़कर हारेंगे तो हम उससे हमें गिला नहीं होगा, लेकिन आपने लड़ना जरूर है यार, वन साइडेड मैच नहीं हारना, अपनी पूरी जान मारें, अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, एक अप्रोच के साथ क्रिकेट खेले तो आप इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। सेमीफाइनल पहले जीतना है फिर उसके बाद फाइनल है, तो इंशाल्लाह आप अपनी 100% दें, अपनी एक जो फेयरलेस क्रिकेट जैसे कहते हैं ना उसको आप खेलें, फिर ही आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत फेयरलेस क्रिकेट खेलता है और वो आपके ऊपर चढ़ कर आएगा, तो आपको चाहिए कि उनके ऊपर दुगना चढ़ जाए ताकि आप उनको काबू कर सके। तो यार ये दोनों मैच अब 9-10 नवंबर को होने हैं, फाइनल 13 नवंबर को है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें यार। वीडियो को आप लाइक नहीं करते ये बहुत बुरी बात मुझे लगती है, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता, लाइक किया करें यार, शेयर भी किया करें ताकि हमें उससे फिर थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलती है। आप लाइक जरूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें। और उसके अलावा यार मैं PSL के रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको वो पसंद आ रही है तो उनको भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। काफ़ी मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं PSL के रिलेटेड न्यूज़, इसलिए यार मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जो टीमें रिटेन कर रही हैं खिलाड़ियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले, और अगर कोई आपसे पूछते तो आप मेरी वीडियो का लिंक उनको शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी हेल्प हो, उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अपना ख्याल रखिए यार, जल्दी आपसे एक और नई वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।